सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से कुछ नए शब्द पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये तीन अक्षर वाले शब्द हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, इसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है क म ल, कमल। म ग र, मगर। ब त ख, बतख। ऐनक, औरत। अक्षर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये रेड कलर वाले जितने भी शब्द थे उसको हम लोगों ने पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ आपने वो लास्ट वीडियो देखा होगा, और उसके बेसिस पर ये तीन अक्षर कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर लेटर वर्ड्स या चार अक्षर वाले शब्द। चार अक्षर में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ख है, ट है, म है और ये ल है। तो ये चार अक्षर हो गए ना। इन चारों अक्षरों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें, एक साथ लिखें और फिर इसे पढ़ेंगे, तो हमें एक फोर लेटर वर्ड यानी कि चार अक्षर वाले शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, खट और मल, खटमल। तो हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे इजीली, पहला और दूसरा जो लेटर है उसको एक साथ रीड करेंगे, लाइक ख और ट, खट। फिर थर्ड और फोर्थ लेटर जो है म और ल, मल, उसको एक साथ पढ़ेंगे, मल। तो ये हमारा क्या बन गया, खट मल। ठीक है, अब ये लिखते कैसे हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है, बहुत ही ईजी है चिल्ड्रन। जैसे हम लोगों ने लिखा अभी एक वर्ड शब्द पढ़ा है खटमल, तो पहले हम लोग ख लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ख, फिर हो गया ट, उसके आगे हो गया म, और फिर ल। ठीक है, इन सभी को एक साथ हमें जोड़ना है ऊपर से, खट और मल। लेकिन जब हम लोग इसे रीड करेंगे, जब इसे पढ़ेंगे, तो हमें फर्स्ट दोनों लेटर्स को एक साथ पढ़ना होगा, जैसे खट, और फिर नेक्स्ट वाले दो लेटर्स को एक साथ पढ़ेंगे, मल। तो ये वर्ड कैसे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, खटमल, खट खट मल मल, खटमल। समझ आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास शब्द हैं उनको एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये है खटमल, और फिर है नटखट। खटमल मतलब होता है बेड बग, और यहाँ पे क्या है नटखट, नटखट का मतलब नॉटी, यानी जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं उनको नटखट हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ शब्द हैं जो चार अक्षर वाले हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार। बरगद, कसरत, गर्दन, अचकन, अनबन, सर्कस, मलमल, हलचल, समतल, दलदल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और मेरे आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोटबुक में भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।